हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लिविंग केमिस्ट्री। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एल्केलॉइड डिग्रेडेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें टोटल तीन मेथड हैं। पहला इसी वीडियो में तीनों कवर कर दूंगा। तो पहला देखते हैं हम लोग हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन मेथड। जितना भी पॉइंट्स लिखा हुआ है वो पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो पॉइंट्स आप समझ जाते हैं तो आपको जो रिएक्शन बाद में दिया हुआ है वो समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन मेथड। फर्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे, बाय दिस मेथड नाइट्रोजन फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज एलिमिनेट एंड देयर बाय द नेचर ऑफ कार्बन एटम इज डिटरमाइंड। मतलब यहाँ क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा जिसमें नाइट्रोजन होगा और नाइट्रोजन वहाँ से बाहर निकलेगा तो हम लोग को कार्बन का, मतलब जो कार्बन है कितना कार्बन है या फिर कौन कौन से कार्बन है उसमें, वो सब डिटरमाइंड हो जाएगा। इन दिस मेथड व्हेन क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर हीटेड प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्रॉम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन एटम। ठीक है, मतलब यहाँ बोल रहा है कि जब हम लोग क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे क्या होता है, तो जब हम लोग उसको हीट देते हैं तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक, तो जो OH होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से निकलेगा और जो हाइड्रोजन होगा वो बीटा कार्बन से निकलता है। ठीक है, बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन अटैच रहेगा वो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा और दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकल जाएंगे। द लिंकेज बिटवीन अल्फा कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन इज ब्रोकन, मतलब अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है ऑन द सेम साइड एज द बीटा हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड। ठीक है, मतलब जिस तरह से टूटेगा, मतलब अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे दो साइड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये एक साइड, ये दूसरा साइड, अगर यहाँ से बॉन्ड टूटता है तो इधर का बीटा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, इफ़ नाइट्रोजन इज इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग दस प्रोड्यूस एन ऑलिफेनिक कंपाउंड। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ ही जाएगा तो ऑलिफेनिक कंपाउंड बन जाता है। ऑन कंप्लीट मेथाइलेशन ऑफ एमीन क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट इज ऑप्टेन। ठीक है, जब मेथाइलेशन हम लोग करेंगे तो वहाँ पे क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। नाउ दिस सॉल्ट इज हाइड्रोलाइज विथ मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड वेयर बाई क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑप्टेन। ठीक है, मतलब बोल रहा है यहाँ पे, फिर जब हम लोग को अमोनियम सॉल्ट मिल जाएगा तो उसको हाइड्रोलाइज करेंगे किसके प्रेजेंस में, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हम लोग को क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और फिर से उसको हम लोग हीट देंगे तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल। इफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट एट बीटा कार्बन विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन एटम, मतलब बीटा पोजीशन पे, बीटा कार्बन पे, वहाँ पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब की स्थिति में। एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लिए हैं पिरिडीन का। ठीक है, पिरिडीन यहाँ पे है, ये देखिए, ये अल्फा नाइट्रोजन के जस्ट, ये अल्फा, ये बीटा, इधर जाएंगे तो ये अल्फा और ये बीटा, इसको यहाँ पे रिड्यूस किए। ठीक है, निकिल के प्रेजेंस में यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्रोवाइड किए तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ तो ये साइक्लिक कंपाउंड बन गया, हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग मेथाइलेशन कराएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया, ये हो गया हम लोग का सॉल्ट। सॉल्ट को क्या करेंगे, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड से क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलाइज कराएंगे तो ये जो आई था यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और OH आके जुड़ जाएगा। अब इस OH को बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो जब हम लोग हीट देंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, इस वाले OH निकलेगा और जिधर से बॉन्ड टूट रहा है, मान लो इधर से बॉन्ड टूट रहा है, ठीक, तो इसका ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, बीटा पोजीशन से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये दोनों वाटर के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे निकल रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे बॉन्ड टूटा तो दोनों यहाँ पे क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग को क्या करना है, इस वाले नाइट्रोजन को भी निकालना है तो इस बार क्या होगा, इधर से बॉन्ड टूटेगा तो इसका बीटा पोजीशन यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आके जुड़ जाएगा। सेम हो रहा है यहाँ पे, पहले मेथाइलेशन हुआ, फिर यहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा और यहाँ से फिर ये OH निकलेगा और यहाँ से बीटा पोजीशन से ये हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हो जाएगा और फिर इसका आइसोमेराइजेशन हो जाएगा तो पिप्राइलिन बन जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग नाम बोल सकते हैं 1,3। ठीक है, 1,3, 1,2, 3, 4, 5, 1,3 पेंटाडाइन, ये उसका नाम हो जाएगा। ठीक है,
दूसरा, इफ़ नाइट्रोजन एटम इज़ प्रेजेंट इन एन ओपन चेन सिस्टम। अभी हम लोग जो देखे थे वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग था, अब बोल रहा है कि अगर ओपन चेन है तो कैसे होगा। इसमें एग्जांपल हम लोग लेते हैं पेंटाएमीन का। पेंटाएमीन मेथाइलेशन कराएंगे, सेम यहाँ पे मेथाइलेशन कराएंगे तो CH3 दो ठे यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे दो HI बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक H और यहाँ से दो H निकलेगा और यहाँ से दो I निकलेगा, दो मॉलिक्यूल है इसलिए। तो यहाँ पे -2 HI हो गया और यहाँ पे दो मेथाइल ग्रुप आके नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया। फिर यहाँ पे हम लोग करा दिए, फिर से मेथाइलेशन कराएंगे तो इस बार सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। फिर इसको मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। फिर इसको हीट देंगे तो यहाँ से अगर बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो इसका बीटा पोजिशन ये हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये निकला यहाँ से, यही निकला यहाँ से, तो हम लोग का ये मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड, इफ़ नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन आइसोक्यूनोलिन रिंग, ठीक है। आइसोक्यूनोलिन रिंग ये इसका नाम होता है, ठीक है। आइसोक्यूनोलिन ये दिखता है ऐसा। रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी पॉसिबल इन आइसोक्यूनोलिन बाई हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन मेथड। दिस आइसोक्यूनोलिन इज डिग्रेडेड ओनली वंस बिकॉज बीटा हाइड्रोजन इज एबसेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पिछला जैसे हम लोग रिएक्शन देख रहे थे कि वहाँ से नाइट्रोजन निकल जा रहा था, लेकिन इसमें डिग्रेडेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक ही बीटा हाइड्रोजन होता है। जैसे कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस वाले पोजिशन पर देखिए, ये अल्फ़ा, ये बीटा, एक हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सोडियम जो कि लिक्विड एथेनॉल में है, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को बन जाता है 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन। यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो चार हाइड्रोजन आके जुड़ गए। फिर यहाँ पे होता है मेथाइलेशन कराएंगे तो यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। फिर सॉल्ट को यहाँ पे हाइड्रोलाइज करा दिए सिल्वर, मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हम लोग का बन गया यहाँ पे हाइड्रोक्साइड। फिर इसको हीट देंगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नेक्स्ट आगे वाला स्टेप नहीं हो पाता है, मेथाइलेशन हो जाएगा, मेथाइलेशन हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो होता है हीट देने वाला, हीट देके यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है, तो ये स्टेप नहीं पूरा होता है यहाँ पे। एक्सेप्शन ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन मेथड। तो इन टेट्राहाइड्रो क्विनोलिन बीटा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट बट रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका एक्सेप्शन क्या है, टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन में बीटा हाइड्रोजन तो होता है बट वहाँ पे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज नॉट पॉसिबल, नाइट्रोजन वहाँ पे नहीं निकल पाता है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे ये हम लोग का टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन, इसको हम लोग किए मेथाइलेशन तो यहाँ पे बन गया सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट बना। फिर इसको हम लोग करा दिए मोस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड के, हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग का यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। फिर इसको जब हम लोग हीट देंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये बना। फिर यहाँ पे एक जो यहाँ से टूटा था यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे हम लोग का CH3OH मेथेनॉल बन जाएगा और एक ये बनेगा। तो ये जो होता है मेजर बनता है, मेजर का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड टूटा तो ये बना, लेकिन नहीं टूटेगा तो ये बन जाएगा। तो एन मेथाइल टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन मेजर प्रोडक्ट बनता है। और यहाँ पे ऑर्थो प्रोपेनाइल डाइमेथाइल एनिलीन माइनर बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है। दूसरा देखते हैं एमिडी डिग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, टू ओवरकम द एक्सेप्शन ऑफ हॉफमैन एग्जॉस्टिव सिल्वर ऑक्सेसिव मेथाइलेशन मेथड एमडी डिग्रेडेशन इज यूज। मतलब जहाँ पे हम लोग का हॉफमैन एग्जॉसिव मेथाइलेशन मेथड काम नहीं करता है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एमडी। इन दिस डिग्रेडेशन मेथड द क्वार्टरनरी अमोनियम हेलाइड इज रिड्यूस विथ सोडियम अमलगम इन एक्वस एल्कोहल और विथ सोडियम इन लिक्विड NH3 और इट इज हाइड्रोजिनेटेड कैटलिटिकली। तो यहाँ पे तीन मेथड होते हैं, सोडियम अमलगम का यूज़ कर लें या फिर सोडियम इन लिक्विड NH3 का यूज़ कर लें या फिर यहाँ पे हाइड्रोजिनेटेड कर दें उसको,
तो फर्स्ट है यहाँ पे टेट्राहाइड्रोक्यूनोलिन। टेट्राहाइड्रोक्यूनोलिन देखे थे कि एक्सेप्शन था, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड वहाँ पे काम नहीं आ रहा था नाइट्रोजन निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लोग एमडी डिग्रेडेशन करेंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे करते हैं हम लोग मेथाइलेशन, तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया। फिर इसको सोडियम एमलगम के साथ इन लिक्विड या एक्वस एथेनॉल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये हम लोग का बन जाएगा कंपाउंड। ठीक है, यहाँ से आई निकल जाएगा बाहर, ये बाहर निकला है, यहाँ पे बन गया हम लोग का ये कंपाउंड बना। फिर इसका नाम है एन डाईमेथाइल एमिनो प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, अच्छा यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ना, ठीक है यहाँ से ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो जा रहा है और यहाँ से टूट जा रहा है। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड टूटा और ये ग्रुप है और ये यहाँ पे अटैच है। ठीक है, दो चीज़ यहाँ पे मिलता है हम लोग को। फिर हम लोग का आइसोक्यूनोलिन। आइसोक्यूनोलिन में क्या होता है, आइसोक्यूनोलिन में यहाँ पे इसका हम लोग करते हैं रिडक्शन पहले, तो रिडक्शन करते हैं तो ये डबल बॉन्ड जो होता है वो यहाँ से चला जाता है, फिर ये टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन बन गया। फिर इसका मेथाइलेशन करते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट बन गया, सॉल्ट बन गया यहाँ पे। फिर इसको AgOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आई बाहर निकल जाता है, OH आ जाता है। फिर इसको हीट करते हैं तो ये OH और यहाँ पे बीटा पोजीशन पे अल्फा बीटा, यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इसका मेथाइलेशन कराएंगे, फिर मेथाइलेशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आके जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये सॉल्ट बन गया। फिर इसको हम लोग करा दिए OH के साथ रिएक्ट, AgOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आई हट जाता है, OH आके जुड़ जाता है। फिर इसको यहाँ पे अब जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है सोडियम एमलगम। ठीक है, इसके प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है आराम से, ये वाला बाहर निकल जाता है और यहाँ से OH बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग का मेन प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थोमेथाइल स्टाइरीन, तो यहाँ पे हम लोग का नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। फिर है थर्ड टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे हो गया हम लोग का सॉल्ट बना ये, ठीक है सॉल्ट बना। फिर इसको सोडियम अमलगम के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं मेटी डिग्रेडेशन। यहाँ पे हम लोग का आगे यहाँ तक जाता है, पहले एक डिग्रेडेशन होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ये कंपाउंड बनेगा, फिर एमिडी डिग्रेडेशन होगा तो यहाँ से एन बाहर निकल जाता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड बाहर निकल जाता है। फिर यहीं पे इसी को हम लोग कैटलिटिक हाइड्रोजिनेशन करते हैं एमिडी डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, इधर से ये बॉन्ड तोड़ रहा है। ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, फिर इसका क्या करा दिए, फिर मेथाइलेशन करा दिए, फिर OH के साथ रिएक्ट कराएं, फिर गर्म करेंगे तो यहाँ पे होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन, फिर यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऑर्थोमेथाइल स्टाइरीन मिल जाता है। थर्ड है वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन मेथड। दिस मेथड इज यूजफुल टू बोथ टाइप ऑफ रिंग इन विच नाइट्रोजन एटम इज आइदर सेकेंडरी और टर्जरी इन नेचर। मतलब वो दोनों रिंग में काम आ जाएगा कि अगर वहाँ पे सेकेंडरी नेचर का है या फिर टर्जरी नेचर का है, तो ये डिग्रेडेशन मेथड दोनों पे फॉलो होता है। दिस मेथड इज यूजफुल मेथड फॉर दोज कंपाउंड विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई हॉफमैन डिग्रेडेशन। मतलब जो हॉफमैन डिग्रेडेशन के थ्रू डिग्रेड नहीं होते हैं उसको वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन मेथड के द्वारा हम लोग डिग्रेडेड कर देते हैं। फर्स्ट आता है एल्केलॉइड विथ टर्जरी नाइट्रोजन एटम। दिस कंपाउंड फर्स्ट ट्रीटेड विथ साइनोजन ब्रोमाइड। पहले इसको साइनोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। साइनोजन ग्रुप इज अटैच टू द नाइट्रोजन एटम एंड ब्रोमीन एटम इज अटैच टू द कार्बन एटम। मतलब साइनोजन जाएगा नाइट्रोजन पे और जो हम लोग का ब्रोमीन होगा वो जाएगा कार्बन एटम पे। ऑन हीटिंग नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स डाउन एंड ब्रोमिनेटेड साइनामाइड डेरिवेटिव इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड। मतलब यहाँ पे जब हम लोग हीट देंगे तो नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, एंड ब्रोमिनेटेड साइनामाइड डेरिवेटिव इज प्रीडोमिनेंटली फॉर्म्ड। वहाँ पर हम लोग का फॉर्म्ड होगा प्रीडोमिनेंटली, मतलब बहुत ज़्यादा। ऑन हाइड्रोलिसिस दीज डेरिवेटिव्स गिव ब्रोमिनेटेड सेकेंडरी एमिन। जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सेकेंडरी एमिन हम लोग को मिलता है। ये पूरा रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है साइक्लिक रिंग में, कौन सा नेचर का है, टर्जरी नेचर का है। ठीक है,
टर्जिनी नेचर का है यहाँ पे, इसको पहले हम लोग कराएं साइनोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराएं। साइनोजन ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराएं तो हम लोग का यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ। बताए थे साइनोजन यहाँ पे CN जाके जुड़ता है नाइट्रोजन से और BR जाके जुड़ता है R से, मतलब कार्बन से, तो ये हम लोग का मिलता है। फिर इसको HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये कंपाउंड मिलता है और रिंग यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे ओपन चेन रिएक्शन या ओपन चेन कंपाउंड मिल जाता है। मार्क करके लिखा हुआ है यहाँ पे वॉन ब्राउन्स एंड हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड क्लीव द हेट्रोसाइक्लिक रिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब जो हॉफमैन था और वॉन ब्राउन था, उसमें जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं उसमें क्लीवेज अलग अलग साइड होता है या डिफरेंट पॉइंट्स पे होता है। जैसे कि यहाँ पे ये हम लोग का कंपाउंड है, हॉफमैन में क्या होगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा और वॉन ब्राउन में क्या होगा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो ये दोनों हम लोग को ध्यान में रखना होगा। फिर है इन जनरल फ्यूजन ऑफ अनसिमेट्रिकल एमीन्स बाई साइनोजन ब्रोमाइड रिजल्ट इन टू फॉर्मेशन ऑफ द शॉर्टर ब्रोमाइड, ठीक है। शॉर्टर ब्रोमाइड का वहाँ से फॉर्मेशन होगा अगर अनसिमेट्रिकल एमीन है तो। फॉर सेकेंडरी साइक्लिक एमीन, अभी हम लोग टर्जरी का देखे थे, अब देख रहे हैं सेकेंडरी है यहाँ पे नेचर का। इसको हम लोग करा रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ पे CO(C6H5) आगे जुड़ जाता है। फिर यहाँ पे PBr3 मतलब PBr5 इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकलता है, ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा और दो ठे BR आकर यहाँ पे जुड़ जाते हैं, ठीक है। फिर इसका करते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो हम लोग का यहाँ पे एक डाइब्रोमीन वाला ग्रुप मिलता है और यहाँ पे बेंजीन साइनाइड मिल जाता है। नेक्स्ट है कोकेन। कोकेन अंडरगो वॉन ब्राउन डिग्रेडेशन, डी एल्काइलेशन अकर्स एंड साइक्लिक एन साइनो डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड। तो इसमें हम लोग को मेन फोकस करना है यहाँ पे जो सेंटर में जो मेथाइल ग्रुप दिख रहा है वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन जो है उसके साथ क्या कौन कौन से ग्रुप अटैच हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेथाइल था, पहले हम लोग क्या करें साइनो ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे क्या होता है CH3Br निकल जाता है तो CN आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे CN आके जुड़ा। फिर यहाँ पे HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका होता है ऑक्सीडेशन, तो एक चेंज हो जाता है एसिड में, ठीक है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। फिर ये एसिड ग्रुप में क्या होता है कि जब हम लोग हीट करते हैं तो CO2 बाहर निकल जाता है, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हम लोग का बनता है। इन दिस मेथड रिमूवल ऑफ एन मिथाइल ग्रुप टेक्स प्लेस विदाउट ओपनिंग द रिंग, मतलब यहाँ पे जो एन मिथाइल ग्रुप बाहर निकलेगा या फिर मिथाइल ग्रुप जो बाहर निकलेगा वो बिना रिंग ओपनिंग के ही बाहर निकलता है। दैट्स ऑल फॉर एल्कलॉइड डिग्रेडेशन मेथड। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।